तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि दोस्तों आपने मेरे नाम का डिज़ाइन मेरे थंबनेल में देखा हुआ था, जैसे मैंने अपना नाम लिखा था डिज़ाइन में, तो दोस्तों जो मैंने नाम लिखा था वो पिक्सेल एप्लीकेशन से ही बनाया हुआ है। तो कैसे आपको बनाना है इस वीडियो में जो मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ, कैसे आप भी जो अपने नाम का उस तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो। बिल्कुल आसान तरीका है, बस आपको जो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना है, कैसे क्या करना है सब कुछ आपको जो इस वीडियो में ही बताया जाएगा। और इधर पर दोस्तों उस नाम के डिज़ाइन को बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, सारे मटेरियल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे आपको बनाना है उसके लिए जो आपको इस वीडियो को देखना है, तो चलिए फटाफट जो वीडियो स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इधर पे अपने पिक्सेल एप्लीकेशन को इधर पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इधर पे जो कैंसिल करना है, इसको कैंसिल करने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो ये थ्री डॉट का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करके इमेज साइज के ऑप्शन पर आना है। आने के बाद आपको इधर पे कस्टम में एक डॉट दिखाई देगा, इधर पे आपको डॉट पर क्लिक करके इधर पे यूट्यूब थंबनेल के साइज को सिलेक्ट करके इधर पे ओके कर देना है। आपको कुछ इस तरीके से आपका जो साइज हो जाएगा। अभी आपको इधर फोर्थ के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इधर पे चले आना है फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे। आने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो ये बैकग्राउंड के लिए वाला इमेज को सिलेक्ट करना, उसके बाद नीचे जो राइट का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको जो बैकग्राउंड इधर पे सेट हो जाएगा। अभी आपको इधर पे करना क्या है दोस्तों, अभी आपका जो न्यू टेक्स्ट दिखाई दे रहा है आपको इस पर डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद आपको इसको कैंसिल करना है जो कुछ भी लिखा गया है। और अभी आपको इधर पे करना क्या है दोस्तों, आप जिसके भी नाम का बनाना चाहते हो आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इधर पे तीन चार बार इधर पे स्पेस दे देना है आगे की साइड में। उसके बाद आपको नाम लिखना है जिस नाम का आपको बनाना है, आपको जिस नाम का आपका डिज़ाइन बनाना है आपको नाम इधर पे डालना है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपना नाम इधर पे डालता हूँ। नाम डालने के बाद आपको इधर पे अभी क्या करना है दोस्तों, ऐसे आपको नाम डालना है जिसके भी नाम का आपको बनाना है। उसके बाद आपको इधर पे एट नंबर डालना है। डालने के बाद दोस्तों आपको ये जो नंबर है आपको इसके साथ में ही रखना है अपने नाम के साथ में। उसके बाद आपको नाम, ये जो नाम आपने लिखा है इसके आगे के साइड में भी आपको जो कुछ स्पेस डालना है। और इधर पे डॉट आ चुका है तो मैं चलिए डॉट को कैंसिल करता हूँ। और अभी आपको इधर पे डन करके इधर पे जो ओके कर देना है, इतना काम करके अभी आपका हो चुका है। तो अभी आपके सामने इधर पे कुछ इस तरीके से टेक दिखाई देगा। अभी आपको नीचे एक ही ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद आपको इधर पे चले आना है फॉन्ट के ऑप्शन पे। आने के बाद इधर पे आपको माई फॉन्ट का ऑप्शन आपको उस पर क्लिक करना है। और इधर पे दोस्तों आपको एक फॉन्ट को ऐड करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपको फॉन्ट ऐड करना नहीं आता है तो आपको जो मेरे आई बटन पे एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बताया हुआ कि आपको जो एक्सेल एप्लीकेशन में फॉन्ट को ऐड कैसे करते हैं, जाके आपको जो उस वीडियो को देख लेना है। तो चलिए इधर पे सर्च के ऑप्शन क्लिक करके मैं उस फॉन्ट का नाम सर्च कर लेता हूँ। इधर में आ चुका है फॉन्ट, इसको मैंने इधर पे सिलेक्ट किया। उसके बाद नीचे आपको जो ओके का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपका फॉन्ट जो दिखाई दे रहा है। अभी आपको इधर पे करना क्या है दोस्तों, अभी आपको इधर पे टेक्स्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पे जो एक गैलरी का ऑप्शन दिखाई देगा यानी इमेज का है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो ये वाले पहले वाले इमेज को जो सिलेक्ट करना है, इधर पे नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक करके आपको इसको इनेबल कर देना है। कुछ इस तरह से आपका जो अभी टेक्स्ट दिखाई देगा। अभी आपको ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है आपको। अभी आपको इधर पे प्लस के आइकन क्लिक करना है, सेव के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपके सामने इधर पे स्क्वायर बॉक्स का एक शेप आ जाएगा। अभी आपको इधर पे एक छोटा सा डॉट है, आपको डॉट पे क्लिक करके इधर पे हाफ सर्कल का शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इसमें जो ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, इधर पे ब्लैक कलर इसको मैंने सिलेक्ट किया। ऊपर राइट के ऑप्शन में अभी आपको क्लिक कर देना है। अभी आपका जो इतना काम करके हो चुका है, अभी दोस्तों आपको इधर पे करना क्या है, अभी आपको जो अपने इस जो शेप लिया हुआ है इसका एक कॉपी लेना होगा। उसके लिए आपको इस थर्ड वाले ऑप्शन क्लिक करके इधर पे आपको एक कॉपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर इसका एक जो कॉपी लेना है। उसके बाद आपको जो अपना पहला वाला साइज है उसके साइज से थोड़ा सा छोटा इसका साइज रखना है आपको कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको इधर पे चले आना अपने टेक्स्चर के ऑप्शन पे और इधर पे इमेज के ऑप्शन क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको वापस जो वही वाले इमेज को सिलेक्ट करना है इधर पे। उसके बाद नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको इसको जो इसके बराबर में सेट करना है कुछ इस तरीके से। चाहे तो साइज आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको जो पहला वाला शेप है उससे थोड़ा सा छोटा रखना है आपको ए वाले साइज को, जो दूसरा आपका साइज लिया हुआ है मैंने, जैसे अभी आपको बैकग्राउंड सेट किया हुआ है मैंने जिस वाले शेप में, आपको उस वाले शेप को थोड़ा सा छोटा रखना है पहले वाले शेप से कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है इसको। अभी आपको इस जो नाम लिखा हुआ है आपने उस नाम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको इधर पर एक ही ऑप्शन क्लिक करके इधर पर टू फ्रंट का एक ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो टेक्स्ट है ऊपर की साइड में आ जाएगा। अभी आपको इधर पे चले आना है स्ट्रोक के ऑप्शन पे, तो इधर पे ये रहा स्ट्रोक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको मैं इनेबल करता हूँ। और इसका साइज कुछ इस तरीके से मैं बढ़ाता हूँ। बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको इसका साइज इधर से भी थोड़ा सा बढ़ाना है और कुछ इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट दिखाई देगा। और इधर पर चलिए स्ट्रोक को पूरा फुल कर दे रहे हैं हम लोग। और दोस्तों इधर पर आपको अपने नाम के हिसाब से स्ट्रोक को बढ़ाना है, जैसे कि आप इधर पर देख सकते हो मेरा नाम जैसा था उसके हिसाब से ही मैंने इधर पर स्ट्रोक को बढ़ाया हुआ। तो आपको ऐसे ध्यान देना है, आपका नाम जैसा जितने साइज में रहेगा आपको नाम के हिसाब से अपने स्ट्रोक को बढ़ाना है। उसका तो ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से जो रोटेट कर देना है आपको कुछ इस तरीके से। रोटेट करने के बाद दोस्तों आपको अभी करना क्या है, अभी आपको इधर प्लस के आइकन उस पर क्लिक करके इधर पे सेव के ऑप्शन में आना है। जाने के बाद आपको इधर पे एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा, आपको डॉट पे क्लिक करके इधर पे जो स्टार वाला शेप को सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका साइज कुछ इस तरीके से छोटा करके आपको इसके बीच में लाके कुछ इस तरीके सेट करना है। उसके बाद आपको इसमें जो ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है, वापस से ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करना है। और आपको जो इसी स्टार शेप का आपको दो और कॉपी लेना है, तो चलिए मैं इधर पर दो कॉपी लेता हूँ।
कॉपी लेने के बाद दोस्तों आपको इसका जो साइज कुछ इस तरह से पहले वाले से थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इसको सेट करना है, और वापस से जो दूसरा वाला शेप है इसको भी यहाँ पे लाना है और इसका साइज थोड़ा सा छोटा करके इसको भी इस साइड में सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसको भी सेट कर देना है। सेट करने के बाद आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और रोटेट कर सकते हो आपको अपने हिसाब से, स्पेस के हिसाब से कुछ इस तरीके से। इतना काम करने के बाद दोस्तों अभी आपको करना क्या है, अभी आपको प्लस के आइकन क्लिक करना है, उसके बाद फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है। जाने के बाद आपको इधर पे जो ये पहला वाला बैकग्राउंड इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जो इसका साइज है 16:9 रखना है। इधर पे सेकेंड वाला ऑप्शन को देख रहे हो साइज का, आपको इसको सिलेक्ट करके 16:9 साइज रख के आपको नीचे राइट के ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद आपको इधर पे चले जाना है रिलेटिव साइज के ऑप्शन पे, आपको इसको क्लिक करके जो हाइट विड्थ है इसका 100% रखना है। उसके बाद ऊपर राइट के ऑप्शन क्लिक करना है आपको, उसके बाद इधर पे लेयर के ऑप्शन क्लिक करना होगा आपको। जो बैकग्राउंड वाला लेयर है इसको नीचे लाना है, सबसे नीचे आपको रखना है कुछ इस तरीके, जैसे मैं आपको इधर पे नीचे ला के दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से नीचे लाना है। नीचे लाने के बाद दोस्तों आपको इधर पे जो नीचे आपको जो एक सर्कल का शेप दिखाई दे रहा है इधर पे देखते हो, राइट और कट का जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं आपको इसमें, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सभी लेयर को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं आपको इधर पे सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, तो आपको कुछ इस तरीके सारे लेयर को जो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर पे थर्ड वाले ऑप्शन क्लिक करके आपको इधर ओके करना है। ओके करते ही आपका जो सभी लेयर है एक साथ हो जाएगा, तो इधर मेरा जो एक साथ सभी लेयर हो चुका है। अभी आपको वापस ऊपर लेयर के ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद अभी आपको इधर पे इरेज कलर के ऑप्शन क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। उसके बाद आपको इधर पे जो कलर पिक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इधर पे, आप देख सकते हो एक लिखा गया है इसके साइड में ही आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको इधर पे जो है ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना, इधर पे जो मेरा ब्लैक कलर को सिलेक्ट हो चुका है। अभी आपको इधर पे राइट का ऑप्शन जो है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते आपको जो ब्लैक कलर है रिमूव हो जाएगा, और अभी आपको टॉलरेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देना है अपने हिसाब से। उसके बाद ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। अभी आपको इधर पे जो शैडो के ऑप्शन क्लिक करके इसको इनेबल करना है, और अपने जो टेक्स्ट आपने लिया हुआ है आपको उसमें जो थोड़ा सा शैडो डालना है, तो आपको अपने नाम के हिसाब से जो इसमें शैडो रखना है, जैसे आपका नाम जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से ही आपको रखना है कुछ इस तरीके से। या तो आप देख सकते हो मेरा जो भी आपको इधर पे दिखाई दे रहा है ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई और ब्लर रेडियस, जो भी जितना भी मेरा आपको दिखाई दे रहा है आपको उतना भी रख सकते हो तो भी चलेगा। उसके बाद आपको ऊपर राइट का ऑप्शन क्लिक करना। अभी आपको नीचे जो इम्बोस का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद आपका जो लाइट एंगल इसको 153 के आसपास रखना है। चलिए इसको मैं 153 के आसपास रखता हूँ, या 154, या दोस्तों आप 150 तक रखोगे तो भी चलेगा। तो इसको चलिए मैं 150 के आसपास रख लेता हूँ। पहले 150 के आसपास रखने के बाद आपको इधर पे इंटेंसिटी का ऑप्शन दिखा देगा, आपको इसको जो है 60 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको एम्बिएंट लाइट है इसको आपको 40 के आसपास ही रहने देना है। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन मिलता है स्पेक्युलर हार्डनेस करके, तो आपको इसको जो 30 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको इसका जो बेवल का एक ऑप्शन दिखाई देगा लास्ट वाला, आपको जो है 10 के आसपास रखना है, यानी कि 10 के आसपास रखना है। उसके बाद आपको ऊपर राइट का ऑप्शन जो क्लिक कर देना है। अभी आपका दोस्तों इतना काम करके हो चुका है। अभी आपको ऊपर लेयर के ऑप्शन क्लिक करके इसको लॉक करना है। उसके बाद आपको इधर पे लेयर के ऑप्शन वापस से आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको जो नेम का डिजाइन है बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। अभी आपको इधर पे जो इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेव एज इमेज के ऑप्शन क्लिक करना है, और इधर पे आपको एक डायमेंशन के ऑप्शन में कस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट दिखाई देगा, तो आपको इधर पे एक छोटा सा डॉट पे क्लिक करके आपको इधर पे अल्ट्रा का ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव टू गैलरी का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करोगे तो आपको जो इमेज है आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपने नाम का डिजाइन बना के अपने गैलरी में सेव कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको जहाँ पे भी पोस्ट करना, जहाँ पे भी आपको इसको यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। तो बस आपको मैं यही बताना चाहता था जो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट करके वापस से पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाली हमारे हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।